महोबा के विकासखंड पनवाड़ी क्षेत्र ग्राम लिधोरा खुर्द में प्रगतिशील किसान भानु प्रकाश द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत अपने ही घर में जैविक खाद तैयार किया जाता है। जैविक खाद तैयार करने की विधि के अनुसार केंचुआ पालन किया जाता है। जैविक खाद तैयार करने के लिए जानवरों के गोबर व गोमूत्र से देसी खाद और जैविक दवाई तैयार की जाती है। 100 रुपए में मिली थी एक थैला। तो जो इसका कृषि अधिकारी था हमसे बोल के गया था कि अगर आप इस योजना से जुड़े रहोगे तो आपको इसमें लाखों का फायदा होगा, और वो ही आज हो रहा है। हमने सर पहले तो केवल ये वर्मी कम्पोस्ट घर बनाई थी। वर्मी कम्पोस्ट आप देख रहे हो, ये वर्मी कम्पोस्ट है। इसमें गोबर डालना पड़ता है, गोबर गाय का हो या भैंस का हो, किसी का पुराना गोबर तो 10-15 दिन पुराना हो गया गोबर, तो उसको जिस प्रकार ये आप औरतें, ये मैं तो इनको बताता हूँ ये करती हैं सर, तो ये कंडों की तरह उसको गीला कर लिया, ये जैसे ये पड़ा है ये गीला, फिर इसमें 10-12 दिन जब इसकी मीथेन गैस निकल जाए तो इसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, तो वो केंचुए अपने आप पूरे में जो है सर्वाइव करके 40-45 दिन में खाद बना देते हैं। खाद आपने देखी, खाद ये बनती है जो बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह हो जाती है, वो ये हमारा ये खाद का जो है बना बनाया खाद इधर लगा है, और इस इन थैलों में जो है केंचुए हैं, ये केंचुए जो है सरकार में जाना है अभी, जैसे पूरे जिले में अपनी योजना चल रही, दूसरे जिलों में जो शौकीन लोग हैं वर्मी कम्पोस्ट जो करना चाहते हैं कि हमको वर्मी कम्पोस्ट बनाना है, तो उनसे हम ये सलाह देते हैं कि भैया गोबर आप अपना इकट्ठा कर लीजिए और आप इससे जो बनाइए। अब जैसे अपने यहाँ साहब अन्ना गाय फैल गई, तो हमने अन्ना गाय भी 5 बांधी है, 5 अन्ना गाय बांधी है, चल को दिखाएंगे आपको, और उनके गौमूत्र से जो है पेप्सी साइड है, जैविक रसायन है, जैविक खादें हैं, उनसे भी बनाते हैं। अभी तो ये गोबर से तो बनती है वर्मी कम्पोस्ट खाद। इसके बाद में सर आपको ये बता रहे कि जैसे कृषि रक्षा इकाई से जो ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेस्टियाना मिलते हैं तो वो बहुत छोटी कीमत पे मिलते हैं, मतलब आधे से ज्यादा छूट है उसमें, तो वो मिल जाते हैं, वो ले लिया जैसे हमने ये ट्राइकोडर्मा।